हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टूडेंट, अगेन वेलकम इन माय इंग्लिश क्लास। सो एज यू नो, अभी हमने ग्रामर के टू चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, सेंटेंसेस एंड जेंडर। इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो एंड इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड दैट वर्क, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड कंप्लीट दैट वर्क। ओके, सो नाउ यू हैव टू वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंशन द डेट, वॉट एवर डेट इज टूडे यू हैव टू राइट। ओके, जो भी आज की डेट है वहाँ मेंशन करेंगे बुक में, और बुक का पेज नंबर है 23। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट एवरीवन, प्लीज अपनी मैरीगोल्ड की, जो इंग्लिश मैरीगोल्ड की बुक है वो निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम अपना वर्क शुरू करते हैं। चैप्टर आपका फिफ्थ है, चैप्टर आपका है चैप्टर फिफ्थ है। चैप्टर नेम इज लिटिल बाय लिटिल, चैप्टर नेम इज लिटिल बाय लिटिल। ओके, सो हम आज की स्टोरी को आज चैप्टर रीड करेंगे और सबको साथ में चैप्टर रीडिंग करनी है। ओके, सो लेट स्टार्ट। सो आज की जो स्टोरी है वो स्टोरी किस पे बेस है? आज की जो स्टोरी है, वेट, सो स्टोरी है आपकी आज, यूज करेंगे आज हाइलाइटर एंड दिस वन कलर, जिससे कि आपको दिखे ऐसे। इवन द बिगेस्ट ट्री, स्टोरी है इवन द बिगेस्ट ट्रीज बिगिन लाइफ एज टाइनी शीट, मतलब जो छोटे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इसमें पेड़ की कहानी है, जो बता रहे हैं कि जो बड़ा सा पेड़ होता है, जो बड़ा सा ट्री होता है, वो ऐसे एकदम से बड़ा नहीं होता है। पहले टाइनीस मतलब बहुत छोटा सा एक पॉइंट रहा होगा, छोटा सा बीज रहा होगा, तो वो पहले वो रहा होगा, फिर उससे वो बड़ा हुआ है। रीड अबाउट हाउ द लिटिल एक्रोन ग्रो बिग, बता रहे हैं इस चैप्टर में जो एक्रोन का ट्री है वो कैसे बड़ा हुआ। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड दैट। ओके, सो चैप्टर इज लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल एन एक्रोन सेड। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम पोएम को रीड करेंगे, और जैसे रीड करनी है सिंग करके, आपको पोएम सेम वैसे ही सिंग करके उसकी वीडियो बना के भेजनी है, और मैं उन बच्चों के नेम दूंगी। ओके, लेट्स सिंग। चैप्टर नेम इज लिटिल बाय, अब देखिए चैप्टर नेम इसमें कैसे लिखा है, कितने कलरफुल से लिखा है हेडिंग लिटिल बाय लिटिल। आपको भी चैप्टर ऐसे पर रेड कलर यूज़ नहीं करेंगे, नोबडी विल यूज़ रेड कलर व्हेन आई विल चेक। सो अगर क्योंकि हम रेड पेन से चेक करते हैं, अगर हम रेड से चेक करेंगे तो हम कहाँ से निकालेंगे मिस्टेक, इसलिए आप लोग रेड कलर यूज़ नहीं करेंगे और कलरफुल हेडिंग ही यूज़ करेंगे, बनाएंगे जिससे कॉपी अट्रैक्टिव लगे, चेक करते हुए अच्छा लगे, आपको भी कॉपी बनाते हुए अच्छा लगेगा कि हम कॉपी अच्छे से दिखा रहे हैं। इंग्लिश की कॉपी काफ़ी अच्छी सी होनी चाहिए। ओके, सो चैप्टर नेम इज़ लिटिल बाय लिटिल, छोटे से लेकर छोटा वाला। ओके, पहले हम रीड करेंगे फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे। लिटिल बाय लिटिल एंड एक्रॉन सैड As it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grow. Little by little, each day it grow. Little by little, it shipped the dew. Little by little, it shipped the dew. See, downward it sent out a thread like root up in the air, sprang a tiny shoot day by day and year by year, little by little the leaves appear and the slender branches and the slender branches spread far and wide till the mighty oak is the फॉरेस्ट प्राइड। हो सकता है कि आप लोग मेरे से अच्छा पोएम को अच्छे से सिंग करके रिप्रेजेंट करें। ओके, ये कहीं कहीं पर शायद मैंने अच्छे से नहीं करा। ओके, अभी पोएम को एक्सप्लेन करते हैं, उसके साथ में आपको मैं फिर से सिंग करके बता दूंगी, सिंगिंग अच्छी नहीं है। ओके, लिटिल बाय लिटिल एन एक्रॉन सैट एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉजी बैड। क्या बोला है इसमें कि लिटिल बाय लिटिल मतलब छोटे से छोटा जो होता है एन एक्रॉन से, एक छोटा छोटा सा एक एक्रॉन होता है, एक एक्रॉन मतलब एक नट्स होते हैं, जो एक ऐसा ही चीज़ होती है। तो वो क्या कह रहा है कि एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉजी बैड। मॉजी मतलब क्या होता है, हल्का सा गीला गीला सा बैड होता है वो,
जो एक्रॉन था वो हल्के से क्या हुआ, एक मौजी बेड में चले गया, मतलब वो मिट्टी के बेड में चले गया। अब ये बोल रहा है कि आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं हर दिन इम्प्रूव हो रहा हूँ, मैं हर दिन क्या हो रहा हूँ, इम्प्रूव मतलब वो चेंज हो रहा है, उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी बॉडी बड़ी हो रही है, वो बड़ा हो रहा है, मिट्टी में चले गया है, वो जो बीज होता है वो पहले वो मिट्टी में गया। ये कहानी बीज की है, एक सीड की है, वो बता रहा है कि वो कैसे एक मौजी बेड में गया, मतलब वो कैसे एक मिट्टी के बेड में गया और फिर वो धीरे धीरे डेली डेली वो इम्प्रूव हो रहा है, मतलब इम्प्रूव मतलब वो चेंजेस आ रहा है उसकी बॉडी में। जैसे आप लोग छोटे थे भी बड़े होना शुरू हुए हैं, अभी बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, पहले फर्स्ट में थे, अब आप सीधे फोर्थ में आ गए हैं, सोचिए ज़रा, फोर्थ में है, थर्ड में जाएंगे, फिर फोर्थ में जाएंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, हिडन डीप इन द अर्थ अवे, वो कह रहा है कि मैं हिड मतलब बहुत अंदर जाके, हिडन मैंने छुप गया हूँ, डीप मतलब गहराई में, इन द अर्थ अवे, अर्थ से बहुत अंदर नीचे जाके वो जा चुका है। अब बीजे को हम थोड़ा ऊपर रखेंगे, कभी अंदर को डीपली उसको हम गाड़ते हैं ना, कभी अंदर डिक करके। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड अ ड्यू, ड्यू क्या होता है, जो बारिश की सुबह से, बारिश की नहीं बोलेंगे आप, जो सुबह से जो नमी नमी सी होती है, आप देखेंगे मिट्टियों पे हल्की सी नमी नमी होती है, उसको बोल रहा है ड्यू। ड्यू मतलब ओस की जो बूंदें होती हैं वो उससे उसको पीता है। डाउनवर्ड इट सेंट, डाउनवर्ड मतलब नीचे, डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, अब क्या हो गया, नीचे उसकी एक थ्रेड निकल रही है, मतलब अब जैसे कि लुक एट दिस यस, अब ये एक बीज है, सीड है, अब उसके में से क्या हो रहा है, बोल रहा है नीचे क्यों मेरे क्या निकल रही है, डाउनवर्ड थ्रेड निकल रहे हैं, थ्रेड मतलब धागे को बोल रहा है, पर वो थ्रेड क्या है, वो थ्रेड है कि उनका रूट्स निकल रही हैं उसकी, लाइक अ रूट अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, अब क्या कह रहा है, अप इन द एयर, अब हवा में क्या हो रहा है, वो ऊपर भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, ऊपर क्या उसकी वजह से कि अब ब्रांचेस निकल रही हैं उसके, अब थोड़ा बड़ा होना शुरू हो गया है, तो वो भी बता रहा है। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, दिन के दिन हो गए जा निकल रहे हैं, साल के साले बीत गई, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, अब पहले उसकी यहाँ पर ट्रंक्स वगैरह सब कुछ निकल के आ जाता है, फिर अब क्या हो रहा है, उसकी अब पत्तियाँ निकलना शुरू हो गई, लीव्स अपीयर, लीव पत्तियाँ हो गई, एंड द स्लेंडर ब्रांचेस, और पतली पतली ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, दूर दूर द ब्रांचेस उसकी फैलती जा रही हैं, पेड़ बड़ा हो रहा है, माइटी मतलब ताकत पर बड़ा वाला पेड़ बन रहा है, ब्रांचेस फैल रही हैं उसकी, पत्तियाँ निकल रही हैं, टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, जब तक वो फॉरेस्ट की प्राइड मतलब फॉरेस्ट की शान नहीं बन जाता, वो बड़ा होता जाता है, और नॉर्मल पेड़ नहीं है वो, सिंपल सा पेड़ बड़ा हो गया पतला सा, मीन्स इट्स अ लाइक माई टीम, कैन यू सी कितना बड़ा पेड़ है। तो इस पेड़ के बारे में कहानी है, तो शॉर्ट में कहानी ये है कि छोटा सा बीज कैसे बड़ा हो रहा है, वो अपनी कहानी बता रहा है कि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके बीज में चेंजेस आ रहे हैं, उसके बीज में से रूट निकल रही हैं, फिर वो बड़ा हो रहा है, उसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, फिर उसकी ब्रांचेस में से लीफ निकल रही हैं, और लीफ निकलने का वो इतना बड़ा हो गया, फिर उसमें फ्रूट्स आते हैं। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ सीड, एक छोटे से सीड की कहानी है। आप सीड को साइड में रखो, अपने आप को ले लो, एक छोटे से बच्चे थे, फिर थोड़े चलना भी नहीं आता था, फिर धीरे चलना शुरू आना आया आपको, फिर दौड़ना शुरू करा, अब लड़ते भी होंगे, पीट के भी आ जाते होंगे किसी ना किसी को, है ना, कौन को लड़ाई करके आता है पहले ये बताओ ज़रा, बॉयज़ तो हमेशा कर दूँगे, गर्ल्स को करती हैं क्या ओके करती है बताना मुझे। और हाँ, इफ़ यू कैन डू, अगर आप कर सकें तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि मैम प्रेजेंट, यू विल गिव योर नेम एंड प्रेजेंट, ओके, इससे ये रहता ना कि हाँ आपने वीडियो देखी, ओके। इसमें लिखा है लुक एट द पिक्चर्स, टू पिक्चर्स हैं यहाँ पर, फाइंड द थिंग्स आर डिफरेंट, इसमें बताना है कि क्या क्या चीज़ें डिफरेंस हैं, ओके। सी पिक्चर वन में क्या दिख रहा है आपको, पिक्चर वन में ये दिख रहा है कि एक ट्री है, वो बहुत हैप्पी है, हैप्पी क्यों है, वो हैप्पी है, वो क्या है, अगर हम ट्री का ध्यान रखते हैं, हम ट्री के आसपास सफाई रखते हैं, तो वो क्या करेगा, वो हमें फ्रूट्स देगा, उसमें जो बर्ड्स हैं वो आके अपना नेस्ट बना पाएंगी, वो मेडिसिन भी देते हैं ट्रीज, और सब कुछ देते हैं, अगर हम ट्रीज़ का ध्यान रखते हैं, उनके आसपास सफाई रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें अच्छे से केयर करते हैं, उनको नरिश करते हैं, तो वो हमारा ध्यान रखते हैं। अब क्या है, और पेड़ खुश रहते हैं, लुक एट दिस ट्री, इट इज़ वेरी हैप्पी, हाँ। अब नाउ लुक एट द सेकेंड वन,
अब ये ट्री सैड क्यों है? सैड इसलिए क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर बर्ड्स अपना नेस्ट नहीं बना रही है, नेस्ट को तोड़ के जा रही हैं। अब लोगों ने ध्यान उस पर क्या डाल दिया, गंदा है वो, उस पर ध्यान नहीं दिया, आसपास की आग जला रहे हैं, उसको तोड़ के लकड़ियाँ काट रहे हैं और आग जला रहे हैं, ये दिख रहा है ना, और वो क्या है, वो सैड हो चुका है। सो आपको क्या लिखना है इसके बारे में, लिख के दिखाना है, ठीक है? ओके। और ये जो है एक्सरसाइज, इसमें आपको दीज वर्ड्स डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ अ ट्री, राइट देम इन द गिवन स्पेस। ओके, सो यू नो वेरी वेल स्टेम क्या होता है, बार क्या होती हैं, लीव्स क्या है। यू आर स्टडिंग EBS, EBS पढ़ रहे हो आप, इन्वायरमेंटल स्टडी, उसमें आपको सब एक्सप्लेन किया जाता है। सो नाउ लेट्स सी कि कितने बच्चों को ये आता है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन वर्ड्स को यूज़ करके, स्टेम क्या होता है पता है आपको, बाग क्या होती है उसकी पता है, लीव्स ब्रांचेस पता है, ट्विंग्स पता होंगे, रूट्स भी पता है। दिस आई एम चेकिंग, ओके, इफ़ यू कैन डू देन गुड एंड यू विल सेंड मी द पिक्चर्स। आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं ट्रीज़ के रिलेटेड। अगर वर्ड्स की मीनिंग नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपने EBS प्रॉपरली नहीं रीड किया है। इफ़ यू आर स्टडिंग इन EBS प्रॉपरली देन यू नो वेरी वेल एंड यू नो द मीनिंग्स ऑफ दिस। ओके, इफ़ यू नो द मीनिंग देन यू कैन मेक द सेंटेंसेस। इफ़ यू अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, इट मीन्स आपने नहीं पढ़ा प्रॉपरली। एंड डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। कुछ टास्क डिफ़िकल्ट होने चाहिए, डिफ़िकल्ट टास्क होने से ये होता है ना, अगर आप डिफ़िकल्ट टास्क करते हो तो आपको वो चीज़ें आ जाती हैं, आएंगी, हैं। जैसे कि कुछ जब प्रॉब्लम होती है इसका, जहाँ अगर हमने कोई चीज़ काम करने की, हमने कोई वर्क किया उसको करने में प्रॉब्लम हुई, इसका मतलब हमको सीखेंगे। अब हमें नहीं आया वो चीज़, तो हम उसको जाके लर्न करेंगे तो वो हमें चीज़ आ जाएगी। कोई चीज़ नहीं आती इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं, बस हमें उसको सीखना ही है। हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे, हमें आता जाएगा, हमें वो चीज़, हमें कोई चीज़ और नहीं आएगी, हम उसको भी पढ़ेंगे तो हमें वो भी आ जाएगा। सो अगर आपको नहीं आता है, सो आप हैप्पी हो जाओ कि आप नया चीज़ सीखने जा रहे हो। ओके, क्योंकि जो लर्निंग होती है वो कभी रुकती नहीं है, जहाँ से मिले वो लर्न करना चाहिए। ओके, और ये तो आराम से सबको आता है, एग्ज़ाम में किया था मैंने इसी चैप्टर का आपको दिया था। डाउनवर्ड का अवर्ड, स्लोली का फास्ट, लिटिल का बिग, स्लेंडर का, ओके आई थिंक आई हैव समथिंग इज रॉन्ग, डे का नाइट हो गया, और स्लोली का फास्ट हो गया, और वेट समथिंग इज रॉन्ग। ओके, स्लोली का फास्ट, ओके, स्लेंडर मिस क्या होता है, लिटिल का क्या हो जाएगा, लिटिल में छोटा और बिग में बड़ा, और स्लेंडर में पतला और फैट में मोटा। ओके, मैंने ये कहा था कि आपको ये मैचिंग सामने सामने करनी है, सो प्लीज़ बच्चों आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ फ्रंट फ्रंट करिएगा। ओके, एंड इन नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, वेट फॉर दैट। ओके, आई विल एक्सप्लेन, बट फॉर दैट यू हैव टू वॉट, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली, and you have to, all students will make a video of this poem without giving the name. अगर मैं name देती हूँ, जिन्हें नहीं भेजा वो भेजेंगे, बस मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो बिना मेरे नेम दिए बस वीडियो में सुन लिया कि सब बच्चों को, all the class student, third class third students will make a video of this poem reading. आपको poem reading की chapter की बनानी है video and you will send me. एंड पोएम ऐसे नहीं गानी है सिंपल सी कि आपने बोल दिया लिटिल बाय लिटिल एंड एक्रॉन सेट, नहीं, यू हैव टू सिंग लिटिल बाय लिटिल एंड एक्रॉन सेट एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिड एंड डीप इन द अर्थ अवे, लिटिल बाय लिटिल ईच डे ग्रो, लिटिल बाय लिटिल इट डीप इट द ड्यू, डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, अप इन द एयर sprang a tiny shoot day by day and year by year, little by little the leaves appear and the slender branches spread far and wide till the mighty oak is a forest pride. So you have to, मैंने फिर से बोल दिया, मैंने पूरा sing कर दिया और बहुत ही कम seconds में हो गया complete. So you all will do, okay?
लेट्स सी कि कौन कौन इस पोयम को बहुत ही प्रॉपरली सिंग करके देता है. ओके, क्लास थर्ड ए, थर्ड बी, थर्ड सी, ऑल दी स्टूडेंट्स विल मेक अ वीडियो. आई एम अगेन रिपीटिंग. ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर.